हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का टॉपिक टिम्बर। टिम्बर पर मैंने पॉइंट नोट्स बनाए हैं। इस नोट्स की सहायता से आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक में जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं टिम्बर से रिलेटेड, वो सारे एमसीक्यूज आप कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शन दिया गया है ट्री का, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पीच, या इसको कहा जाता है मेडुला, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। ट्री का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको पीथ कहा जाता है। हार्ट वुड, इनर मोस्ट एनुलर रिंग्स अराउंड द पीथ। पीथ के अराउंड जो एनुलर रिंग्स होती है उसको हार्ट वुड कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड, सेफ वुड, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्ट वुड एंड कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर और हार्ट वुड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है सेफ वुड, या एक और डेफिनेशन होती है सेफ वुड की, आउटर लेयर्स ऑफ अ लॉग वुड। और लॉग वुड किसे कहा जाता है? ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस इज नोन एज लॉग। कैम्बियम लेयर, थिन लेयर्स बिलो द इनर बार्क। इनर बार्क के जो बिलो में थिन लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम लेयर। मेडुलर रेस, थिन फाइबर विच एक्सटेंड फ्रॉम द पीथ आउटवर्ड्स एंड होल्ड द एनुलर रिंग्स टूगेदर। मेडुलर रेस क्या होती है? जो एक्सटेंड होगी पीथ से, एक्सटेंड होती है, ठीक है, और जो एनुलर रिंग्स होती है उसको होल्ड करके रखती है उसको हम कहेंगे मेडुलर रेस। इनर बार्क, इट इज़ अ इनर स्किन ऑफ ट्री डिफेंसिव द कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट एनुलर रिंग्स, टेल द एज ऑफ ट्री बाई काउंटिंग दिस रिंग्स। एनुलर रिंग्स को काउंट करके हम ट्री की एज को बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शेक क्या होता है। सेपरेशन बिटवीन एडजस्टेंट लेयर्स ऑफ टिश्यूज इज नोन एज शेक। कितने प्रकार से हो सकता है? हार्ट शेक, क्रेक्स स्टार्ट फ्रॉम पीथ एंड रन टूवर्ड्स सेफ वुड। दिस आर वाइडर एट सेंटर एंड डिमीज आर नेरोवर आउटवर्ड्स। ये एग्जाम्पल यहाँ पर बना हुआ है। क्रेक्स होंगे पीथ में, ठीक है, एंड रन टूवर्ड्स सेफ वुड, सेफ वुड की ओर रन होंगे वो। सेंटर में वाइडर होता है और आउटवर्ड में नेरो होगा। इस तरीके से होता है, सेंटर में वाइडर होगा और आउटसाइड में नेरो होगा वो। नेक्स्ट कप शेक, अपियर्स एज कर्व स्प्लिट विच पार्शली आर होली सेपरेट एनुलर रिंग्स फ्रॉम वन एनादर। जो एनुलर रिंग्स होती है वो एक दूसरे से पार्शली या फुली सेपरेट हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कप शेक। स्टार शेक, आर रेडियल स्प्लिट आर क्रेक्स विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लोग एंड नेरोवर टुवर्ड द पीथ। तो जस्ट अपोजिट होगा हर्ट शेक का, जो हर्ट शेक था उससे अपोजिट होगा ये। नेक्स्ट रिंड गाल्स, रिंड गाल्स आर कर्व स्वेलिंग ऑफ ट्रीज विच आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर ब्रांच ऑफ द ट्री इज इम्प्रॉपरली रिमूव्ड। जब ट्री की ब्रांच को इम्प्रॉपरली रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर स्वेलिंग होती है ट्री की, ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा? रिंड गाल्स, रिंड गाल्स का फॉर्मेशन होता है, ये इसको कहेंगे रिंड गाल्स। नेक्स्ट नोट, अ ब्रांच बेस एम्बेडेड इन टिम्बर बाय नेचुरल ग्रोथ इज नोन एज नोट। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है। ट्री ग्रोथ एंडवर्ड्स इज नोन एज एंडोजीनियस। एग्जोजीनियस का मतलब होता है ट्रीज ग्रोथ आउटवर्ड, और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है।
एंडोजीनियस का एग्जांपल होगा पाम, बम्बू एक्सेट्रा। एग्जोजीनियस ट्री का एग्जांपल होगा यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। हार्डवुड और सॉफ्टवुड हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल क्या होता है। हार्डवुड के एग्जांपल होंगे शीशम, साल, डेसीडियस एक्सेट्रा। सॉफ्टवुड के एग्जांपल हैं देवदार, चीर, पीन, कॉनिफर एक्सेट्रा। इनके सभी के आपको नाम याद रखना है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देवदार का यूज़ होता है, देवदार टिम्बर इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स एंड रेलवे स्लीपर्स। बबुल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बेंटिक बोट कंस्ट्रक्शन। जेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शीशम इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वुड वर्क बिकॉज शीशम कैन पॉलिश्ड टू एन एक्सीलेंट फिनिश। लास्ट पॉइंट है साल इज द स्ट्रोंगेस्ट। मैंगो इज द लीस्ट ड्यूरेबल एंड देवदार इज द लाइटेस्ट। यदि हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं, साल, मैंगो और देवदार को, तो साल स्ट्रोंगेस्ट होता है, मैंगो लीस्ट ड्यूरेबल होगा और देवदार लाइटेस्ट होता है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेप फ्रॉम द टिम्बर। टिम्बर से सेप को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम सीजनिंग कहेंगे, या टिम्बर में जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर को डिक्रीज करने की प्रोसेस को सीजनिंग कहा जाता है। यदि हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर रिजल्ट इन इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। सीजनिंग करने से टिम्बर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। यदि फर्स्ट क्लास टिम्बर की बात करते हैं तो उसकी एवरेज लाइफ मोर देन 10 ईयर्स होगी। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द पैरेलल टू द ग्रेन्स। टिम्बर की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होगी पैरेलल टू द ग्रेन्स। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर टिम्बर दिया गया है। एक पॉइंट आएगा टिम्बर की जगह यदि प्लाईवुड होता है तो उसकी स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे प्लाईवुड में। फिफ्थ, द मॉइस्चर कॉन्टेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज 10-12%। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कॉन्टेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ द टिम्बर इज 12-15%। ये लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 15%। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टिम्बर इज द मॉइस्चर कॉन्टेंट इन परसेंट व्हेन द सेल वॉल्स आर सेचुरेटेड विथ वाटर एंड सेल कैविटीज कंटेन्स नो वाटर। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होगा, सेल वॉल में वाटर से सेचुरेटेड हो वो और सेल कैविटीज में वाटर न हो। डिसीज ऑफ टिम्बर, टिम्बर में डिसीज कौन सी हो सकती है। रोट का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय फंगी। फंगी के द्वारा जो डिसइंटीग्रेशन होता है जिसको कि सड़ना कहा जाता है, जो सड़न लगती है उसको हम कहेंगे रोट। ड्राई रोट, वेट रोट, दो प्रकार का यहाँ पर डिसीज हो सकती है टिम्बर में। फर्स्ट, ड्राई रोट का मतलब होता है लेक ऑफ वेंटिलेशन। जब टिम्बर की सीजनिंग की जाती है, जब टिम्बर से मॉइस्चर को कम किया जाता है, तो वहाँ पर यदि लेक ऑफ वेंटिलेशन हो, इम्परफेक्ट सीजनिंग होगी, तो वहाँ पर क्या डिसीज होगी, ड्राई रोट। और वेट रोट का मतलब होता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, उसके कारण वेट रोट डिसीज होगी टिम्बर में। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सोइंग इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस द कट्स शुड बी मेड बाय टेंजेंशियल सोइंग। स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस के लिए जो कट होगा वो कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल सोइंग होगा। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर की जो प्रिजर्वेशन मेथड हैं यदि हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो इफ़ेक्टिवनेस यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होती इफ़ेक्टिव प्रेजर, सेकेंड डिपिंग, थर्ड ब्रशिंग और स्प्रेइंग। नेक्स्ट, फोर्थ, टिम्बर कैन बी मेड बाय मोर फायर रेजिस्टेंस बाय
सर एबल्स प्रोसेस, सर एबल्स प्रोसेस के द्वारा टिम्बर को हम फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। प्लाईवुड, इट इज़ मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर्स ऑफ वुड इन सच अ वे डेट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर्स टू ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इज 90 डिग्री। जो ग्रेन्स की लेयर होगी उन दोनों लेयर्स के बीच में, जो दोनों एक दूसरे के पास वाली लेयर्स होगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ बोथ एलोंग एज वेल एज एक्रॉस दी ग्रेन्स, इसीलिए क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। टिम्बर की यदि हम प्लाईवुड की बात करते हैं, और टिम्बर के केस में हमने देखा था टिम्बर में क्या था, मैक्सिमम इन दी पैरेलल टू दी ग्रेन्स, लेकिन प्लाईवुड में दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे ग्रेन्स होंगे। द वुड श्रिंक आर स्वेल मोर एक्रॉस द ग्रेन सिंस प्लाईवुड हैज़ क्रॉस ग्रेन कंस्ट्रक्शन द टेंडेंसी टू श्रिंक आर स्वेल इज रिड्यूस्ड। जो टिम्बर होता है वो स्वेल होगा एक्रॉस द ग्रेन, लेकिन यदि हम प्लाईवुड की बात करते हैं तो प्लाईवुड में क्रॉस ग्रेन होता है, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखा था 90 डिग्री, इसीलिए प्लाईवुड को श्रिंक और स्वेल होने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोस देन ऑर्डनरी वुड। यदि ऑर्डनरी वुड की बात करते हैं तो उसके कंपेयर में प्लाईवुड की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी। इट हैज़ बेटर स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस, इट कैन बी कर्व इन डिजायर्ड शेप एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्लाईवुड इज प्रिफर्ड टू थिन प्लैंक ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल डायरेक्शन। ये भी हमने पॉइंट वन में देखा था 90 डिग्री होता है, इसीलिए दोनों डायरेक्शन में लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल में उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है प्लाईवुड की, इसीलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में प्लाईवुड को प्रिफर किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, ब्रीफ में हमने डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद गुप्ता एंड गुप्ता बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं टिम्बर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।